मुझे लगता है कि जो नाराजगी है आप दिखाइए रोहित जाकर साहब को, अतुल सक्सेना और सुधांशु त्रिवेदी जी को। रोहित जी, क्या नाराजगी हो गई? आखिर क्यों सड़कों पर आप लोग विरोध प्रदर्शन करने मेरठ में निकले हैं? अगर खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं, फिर उसका जवाब देंगे सक्सेना साहब। स्वाभिमानी समाज म्यूट है सर, म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। अंजना जी, हाँ बोलिए। हमारा स्वाभिमानी समाज है, हाँ, और मेरठ जिले में जिस हाँ, तरीके से गठबंधन ने टिकट आवंटन किया था, हाँ, उसमें हमारे समाज को एक भी जगह प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने परसों विरोध किया, उसके बाद गठबंधन ने मेरठ कैंट सीट पर मनीषा अहलावत को टिकट आवंटित कर दिया। हमारा कहना है कि जाट समाज ने पिछले 1.5 वर्ष में किसान आंदोलन के सापेक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। हाँ। ये स्वाभिमानी समाज है। हाँ। और हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हैं, 2019 के चुनाव के बाद भी इन्होंने जो एक टिप्पणी की थी उसमें, उससे भी बिरादरी में हमारी भारी रोष है। हमने ये तय किया है कि इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह की विरासत को संजोने के लिए जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन सीनियर पार्टनर की अनदेखी के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन हमारे विरोध को दर्ज किया गया, ऊपर तक हमारी आवाज गई है, ठीक है, एक सीट हमें जिले में मिली है। और लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ, कि हमारे लिए अस्मिता से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है रोहित चौधरी जी। रोहित जी, लॉटरी में आपके पास, अतुल जी, पूरा दारोमदार आप लोगों का टिका हुआ है। आप चाह रहे थे जाट मुस्लिम एकजुट होकर इस बार आपका समर्थन करें, फिर ऐसा क्यों किया? वो कह रहे हैं अनदेखी हो रही है। नहीं अंजना जी, देखिए मैं अपने जाकर साहब को कहना चाहता हूँ, अनदेखी कहीं नहीं है। अनदेखी तो जो भाजपा ने करी है, उसको देखते हुए टिकटों का वितरण करा जा रहा है और वितरण किया गया है। कहा सवाल, देखिए टिकट जब दिए जाते हैं तो हर समाज ये चाहता है कि उसके समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का काम किया जाए, परंतु टिकट देना उसे चाहिए जो कि वहां से जिताऊ कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुरू से ही कहना है कि टिकट उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जीत सुनिश्चित है, जिनका जनाधार है। अब रहा सवाल गठबंधन की, जो सीट इन्होंने जाकर साहब ने जाट समाज की बात करी, तो कैंट सीट से मनीषा अहलावत जी को टिकट देने का काम करा है, और बाकी जो अन्य मुसलमानों को जो टिकट देने की बात है तो वहां से कई कई बार के विधायक भी रहे हुए हैं। तो यहाँ समझना होगा, देखिए जाकर साहब की बात अस्मिता की नहीं है, बात तो अब इस टाइम प्रदेश की अस्मिता की है, जनता की अस्मिता की है। आपको ये छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठ करके आना पड़ेगा, क्योंकि यदि भाजपा को हटाना है और हराना है तो आपने गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्हें पूरे दमखम के साथ आपको जिताना पड़ेगा।